जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको फास्ट क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, वाई फास्ट और वाई नॉट फास्ट, जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग का सीन ये है कि हाँ, ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 2K फैमिली ऑन यूट्यूब। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दें। तो आज के ब्लॉग का सीन ये है कि आज एक तो क्लोजिंग सेरेमनी है, वैसे क्लोजिंग का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है प्रॉपर डे 3 का, लेकिन आज थोड़ा सा ये है कि हम लोगों से ये भी पूछेंगे फास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं कि वाई फास्ट, उन्होंने फास्ट ही क्यों चूज़ की, और उसके अलावा जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि उन्हें फास्ट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो क्यों, अगर नहीं तो करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई के लिहाज से और भी जिस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह फास्ट में होती हैं, तो उस बारे में हम लोगों से उनकी राय लेंगे और हम अपनी राय भी देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वॉक। अच्छा जी, तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में आगे सबसे पहला काम क्या करना होता है। तो यूनिवर्सिटी में आगे सबसे पहले बाल शाल सेट करने होते हैं, क्योंकि बाइक पे आते हैं तो बाल ख़राब हो जाते हैं, तो बाल शाल सेट कर लिए हमने यू नो। और उसके बाद अभी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो अभी हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? अलहमदिल्ला, आप सुनाएं कैसा रहा आपका नेस्को? कुछ कहना चाहेंगे व्लॉग में? बस आप ही कहेंगे, अपना काम जारी रखें सर। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम करें। अभी लास्ट मैंने आपका काम देखा, बेहतरीन काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप बैकअप टीम में भी थे ना? जी जी सर। जब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अनाउंस हुई थी तो मैं डॉक्टर सिर के पास गई एंड सेड टू हिम, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतने कम टाइम में, जब हमारे पास 18 डेज थे कि पुल ऑफ कर सकें। एंड थोड़ा डाउट हुआ था उस टाइम, बट टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। वी हैड अराउंड 755 स्टूडेंट्स इन द होस्ट टीम एंड वी पुल्ड ऑफ अ ग्रेट इवेंट, 64 क्लास इवेंट। जब चाही थी गुफ्तगू,
अच्छा जी, तो क्लोजिंग से वापस आ गए हैं हम कैफे अपनी जगह पे जहाँ पे हम बैठते हैं, और यहाँ पे देखिए हमें कौन मिले हैं, सामा भाई। हेलो जी सामा भाई, कैसे हो जी? सामा भाई अपनी FYP2 की रिपोर्ट लिख रहे हैं, आज रात को सबमिशन है और अभी बैठ के लिख रहे हैं। यार आप लोगों को एक मजे की चीज दिखाता हूँ मैं, नजर आ रहा है ऑफिशियल ब्लॉगर ऑफ नैस्कॉन 2022, क्या बात, सात रबानी। हेलो जी, नेक्स्ट है जी मिस्टर फैजान राव। हेलो जी, नेक्स्ट है शमशाद अली रिप्रेजेंटेड VL.11। सर कैसे हैं आप? सर बेहतरीन सर, हाउ योर फीलिंग राइट नाउ? यार फीलिंग कुछ ऐसी है कि अभी डिप्टी थे, इंशाल्लाह अगली दफा प्रेसिडेंट 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 सर सर, इसको तो मिला था को 5, 7, 10, 12 मिली हैं, क्या बात है, 2-2। सज्जाद बुखारी बेस्ट परफॉर्मर, ये दो डेप्टी सेक्रेटरी ऑडिटोरियम मैनेजमेंट, एक घर में भी पड़ी हुई है मेरी। सर आपको क्या मिला है सर? हाँ जाहिर सी बात है, इधर तो सेंसर बनता भी है। अच्छा यार साथ भाई ना थोड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ भाई से पूछते हैं। साथ भाई आज का हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको फास्ट क्यों ज्वाइन करने चाहिए, वाई फास्ट और वाई नॉट फास्ट, जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर दें। अच्छा जी सामा भाई का माशाल्लाह से 3.5 प्लस CGPA है, तो सामा भाई आपने हमें बताना है कि वाई फास्ट और वाई नॉट फास्ट। अगर तो आपने CS की फील करनी है, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आप CS करना चाहते हो ठीक है, तो फिर फास्ट के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, और स्पेशली इस्लामाबाद में। अगर आप कहते हो एक सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है कौन सा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा फास्ट बेस्ट अगर आपने CS करना है। और अगर आप कहते हो कि जी फास्ट सिर्फ माहौल के लिए आना है, तो सर ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बात क्या बात। शहीर भाई हैं FQS फास्ट कुरान सुन्नत सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, तो अभी आज हम इनसे पूछते हैं कि लोगों को फास्ट क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं करनी चाहिए। तो शहीर भाई इस पे रोशनी डालें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार फास्ट क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके बारे में तो सबसे पहले ये कि अगर आप लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं और वाकई सीखना चाहते हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन फास्ट। मतलब जो स्किल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, आई कैन गारंटी जिस एनवायरनमेंट में यहाँ पे मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिल सकती। और हाँ अगर आप मतलब थोड़ा सा वीक है और आप पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है, एंड यू आर मोर ऑफ अ पार्टी बॉय, तो फिर आप फास्ट ना आएँ, बिकॉज यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। शमशाद भाई आपने बताना है कि वाई फास्ट एंड वाई नॉट फास्ट, स्टूडेंट को जो आने वाले नए बच्चे हैं उन्हें फास्ट में क्यों आना चाहिए, और अगर उन्हें नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। यार मेरे ख्याल से अगर आप लोग बाकी ही कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं और आपका अगर लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है और आप कोड अच्छा कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको फास्ट में ही आना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस करनी है, आपका टारगेट ही फास्ट होना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि भाई मैं AV जा रहा हूँ और मेरे पास डिग्री करनी है कोई भी मिल जाए, तो फिर कंप्यूटर साइंस आपके लिए नहीं है, यकीन मानो दिल्ली लोग फार होकर निकलोगे, याशी भी नहीं होनी यहाँ से, काम खा के टेंशन रहनी है 4 साल, फुल दलील होगे और एंड पे कुछ हाथ भी नहीं आना, ठीक है। हाँ यहाँ पे रिस्क काबल होगी, हाँ रगड़ा का आगे फिर थोड़ा बहुत सीख जाओगे, तो फिर भी फास्ट ही आना, बहुत अच्छा सिखाती है फास्ट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये जितने भी कहते हैं ना कि नहीं नहीं फास्ट नहीं आना, नेवर एवर ऊपर ऊपर से कहते हैं, दिल में वो भी यही कह रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंस कहनी है तो भाई फास्ट में ही आओ, तो फास्ट में ही आओ, फास्ट बहुत फास्ट है। थैंक यू सर। शाकिर भाई के पास, शाकिर भाई की स्पेशल बात और खास बात ये है कि आपका कल को पेपर हो या आपको किसी सिलेबस का ना पता हो, कुछ भी आपको अपने जो आप सब्जेक्ट पढ़े उसके बारे में नॉलेज ना होना, तो शाकिर भाई को उसके बारे में ज़रूर नॉलेज होता है। तो ये है शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम शाकिर भाई, कैसे हैं? अच्छा शाकिर भाई मुझे ये बताएं कि जो नए आने वाले बच्चे हैं उन्हें फास्ट में क्यों आना चाहिए, और अगर उन्हें नहीं आना चाहिए तो फास्ट में क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं देखिए, जिसने तो पढ़ना है ना वो तो ज़रूर आए इंशाल्लाह, ठीक है ना, जो तो बशारत करने आया तो वो ये सोचे भी ना कि वो यहाँ पे
पढ़ भी लेगा और शरारत भी करेगा। क्या बात है। ठीक है। और ये है कि जो बस मजे करने आ रहे हैं, शरारतें करने आ रहे हैं, फिर वो सोच लेके उनके आठ साल सात साल पक्के पक्के आए। अच्छा जी, ये जी शाकर भाई का सेटअप है डबल ई फ्लोर पे, डी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे शाकर भाई बैठे होते हैं, फोटो कापी कुछ भी प्रिंट श्रिंट कराना हो, कोई भी सिलेबस से लेकर, मैं कहता हूँ आपने अपने कोर्स की एडवाइस लेनी हो ना तो शाकर भाई के पास आ जाएं। शाकर भाई आपको बेहतरीन बताएंगे, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता जितना शाकर भाई को होता है कि इस सब्जेक्ट में ये वाला सीन ऐसे है, तो शाकर भाई के पास आपने सीधे आना। Please subscribe to Hasan Chaudhary. Subscribe. मुड़ तुहाडा काम है कि तुसे चैनल नु सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब। Please like, subscribe and share Hasan Chaudhary's channel. मिलदासी ओ तदहे मिलदासी।